जिसमें एक 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक घर के अंदर हम जाकर सबसे संपर्क करें। जैसे अभी जो कल 2 केसेस दिल्ली और तेलंगाना के अंदर रिपोर्ट हुए थे, तो दिल्ली के केस की जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह की, लगभग शायद 66 के करीब लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए, जो दिल्ली का केस था। तो उसमें दिल्ली में जो केस था, दत्ता जो दिल्ली के केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया, और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। तो आगरा के अंदर जो है उसके परिवार के उसके परिवार के, तो आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद कोई आपके मन में बात होगा तो, क्योंकि एक चीज़ का फ्लो टूट जाता है ना बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज, तो फिर उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर्स के डायमीटर में एक एक घर में, बिकॉज दैट इज़ द इस तरह की चीज़ों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीज़ें स्प्रेड ना हो, दैट इज़ द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव एक्चुअली एम्फेसाइज्ड एवरीथिंग बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है, और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और अच्छे जो डॉक्टर्स और उनके साथ और दूसरी टीम लगाकर उन टीम्स को भी वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से डेवलप कर दें, और लगातार भारत सरकार की जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं हमारी जो है, क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम तो ट्रिगर कर सकती है, एक्शन को इनिशिएट कर सकती है सारे देश के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो ये हमने एक उनके साथ बातचीत करके आज ये मीटिंग की है दिल्ली के सभी लोगों के साथ, तो आई थॉट कि एक तो आपको सूचित कर दें। अभी 3 बजे हम लोग अपनी एक आज फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग करेंगे, और अभी सुबह हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही ले लिया था ये निर्णय कि अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे कि हम 12 जो कंट्रीज़ हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दैट इज़ वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया, तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं, और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह से सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता है, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें, और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको हम विषय को अभी अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप
ये करीब 23-24 लोगों का ग्रुप जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था, और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का भी पार्ट नहीं था। तो उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही उसके उसका पॉजिटिव हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उनके ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको हम लोगों ने पहले वो वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए मनाई किया, तो हमने उनको तुरंत आइसोलेट करके जो ITBP का हमारा जो कैंप है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया था उनके ग्रुप के बाकी लोगों को। तो अभी वो जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव पाया था उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया, तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई, और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए। उसी दे आर ऑल इटालियंस। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके ITBP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस वन इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज़ द इन फैक्ट 15 वो हो गए। और वो मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। सभी अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए गए हैं कोरोना को हराने के लिए, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा है। एयरपोर्ट और अस्पतालों की तैयारी पर चर्चा हुई है, एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद प्रेस से मुखातिब हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन।